और मैं इस मोहब्बत को आजाद कर रहा हूं। मां प्लीज जाओ यहां से, मुझे अकेला रहने दो। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस हालत में देख के अकेला छोड़ दूंगी? बताओ मुझे क्या बात हुई रूमी से? I don't know, मैंने गलत क्या किया है? सिर्फ मोहब्बत ही की है ना। Why do I have to pay the price of it so much? तुम्हारे सामने मैं कब से लगा हूं? I'm trying everything and it's not working clearly. I don't know what to do. कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। I think सारम तुम अभी emotional हो रहे हो। Please relax हो जाओ और आराम से रूमी से बात करना और उसको यकीन दिलाना कि तुम मुझे मोहब्बत करते हो। नहीं माँ, अब कोई वजाहत नहीं और कोई यकीन नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरा मोहब्बत में कोई भी हक है, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं अपने आप को साबित क्यों नहीं कर सका? तो क्या करोगे सारम? मैं मजबूरन रिश्तों को कैद में रखने वालों में से नहीं हूं। इस सब का सिर्फ एक ही हल है और मैं वही करने जा रहा हूं। I've made my decision. सारे मेरी बात तो सुनो। God. ये लो। ये क्या है? ताबिश के घर के पेपर्स जो तुम्हारे नाम पे है, और हमने वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनमें साफ साफ लिखा है कि हमारी कंपनी के 40% शेयर्स की मालिक भी तुम ही हो। इस सब के बाद तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम आहिल के साथ आराम से अपने घर में अपनी स्पेस में अपनी जिंदगी गुजार सकती हो, एक अच्छी जिंदगी। मैं जबरदस्ती के रिश्तों का कायल नहीं हूं। और एक बात तुम्हें जान चुका हूं, तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, चाहो तब भी नहीं, और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं। कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं। बाहर गाड़ी और ड्राइवर भी खड़े, अब से वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्या आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? नहीं, निकाल नहीं रहा, सिर्फ जाने का कह रहा हूं। जाओ अपनी खूबसूरत यादों के साथ, एक अच्छी जिंदगी गुजारो रूमी।
क्योंकि यहाँ पे अजियत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत के खेल थे वो, लफ्जों के फेर थे वो, समझी थी खुशियाँ जिन्हें अंधेरों के ढेर थे वो। किस्मत के खेल थे वो, लफ्जों के फेर थे वो, समझी थी खुशियाँ। मेरी अब जरूरत नहीं है यहाँ माँ, इसीलिए जा रहे। नहीं रूमी, अगर सारी अकल नहीं कर रहा तो तुम तो अकल करो। अपना घर छोड़ के क्यों जा रही हो तुम? मैं तो जाना भी नहीं चाहती, सारिम ने खुद मुझे जाने का कहा है। क्या? लेकिन तुमसे गिला है मुझे माँ। जब पहली बार तुम मुझे मिली थी तो अपना दोस्त समझा था तुम्हें, अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन तुम तो सारिम की दोस्त निकली। तुमने भी मुझे नहीं बताया कि सारिम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। नहीं रूमी, सारिम तुमसे मोहब्बत करता है। बस कर दो माँ, और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? अभी भी बोलोगी जब मेरी आंखों के सामने सारी हकीकत खुल चुकी है। और हाँ, आंटी अंकल को बता देना मैं जरूर मिल लेती, लेकिन उनके सवालात के जवाब आते हैं मेरे पास। रूमी, अल्लाह सारे तो मैं तुम्हें भी ना बना देती हूँ चाय अच्छी सी। बना दे, लेकिन अम्मी मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि हम लोग ना आगे छुट्टियों में आयान की हो जाए तो। रूमी, रूमी बेटा ये सामान तुम किसके साथ आई? और सब खैरियत है ना? रूमी, रूमी क्या हुआ है? क्या बात है बेटा, बोलो, मेरा दिल दहला जा रहा है, बोलो क्या बात है? रूमी, मुझे फिर घर से निकालती होगी। पहले निकाला था तो सब कुछ छीन कर निकाला था, इस बार इज्जत के साथ निकाला है। आहिल किधर है? हाँ, बाहर ड्राइवर के साथ। मैं अभी जाके लेकर आता हूँ उसको। क्या उसे? चलो बस बस, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सारिम, तुमने रूमी को जाने कैसे दिया? जाने वाले को कौन रोक सकता है? ये क्या कह रही है माहब? रूमी घर छोड़कर चली गई, इतना सब कुछ हो गया तुम दोनों के दरमियान, तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बच्ची है, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? शायद आपके बेटे की किस्मत में उस प्यारी लड़की के साथ रहना नहीं लिखा था हमने। सारे बेटा, रिश्ते इस तरह से नहीं निभाए जाते। तो फिर किसा निभाए जाते हैं? जबरदस्ती करता मैं उसके साथ,
जबरदस्ती अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता उसे। तुमसे किसने कहा कि तुम उसे जबरदस्ती यकीन दिलाओ अपनी मोहब्बत का? क्या कमी थी उसे इस घर में? उसे इस बात का यकीन ही नहीं है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और अब मुझे उसे मजीद यकीन दिलाना भी नहीं है। And I'm really sorry, अम्मी। इसके अलावा मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। माहम, तुम्हें बताओ क्या करूं मैं इस मामले का? आंटी, मैं सारिम को कभी मुझसे मोहब्बत थी नहीं, वो किरण से मोहब्बत करते थे और मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं किरण की तरह दिखती थी। जहां मेरे वजूद की कोई अहमियत ही ना हो मैं वहां क्यों रहूं? सब कुछ जानने के बाद भी मैंने सारिम से शादी निभाई और जब सारिम से इस बात की तस्दीक की तो उन्होंने मेरे हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स थमाकर कहा कि तुम यहां से जा सकती। अब आप मुझे बताएं, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि मैं ये सब कुछ जानने के बाद भी वहां रहूं? अच्छा, तुम खुद को कंपोज करो, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। बल्कि जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। शांजे से लेके जाओ और खाना दो, मैं आहिल को लेकर आता हूँ बाहर से। आओ, तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और आहिल की परेशानी मत लेना, मैं संभाल लूंगी उसे। बिल्कुल भी ना, उसे सारिम की कदर नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। आरिफ, तुमने मुझे रोक लिया वरना आज रूमी का दिमाग ठिकाने लगा देते। अम्मी, आरिफ ने बिल्कुल ठीक किया आपको रोक के, वो डिस्टर्ब है, थोड़ा गुस्से में भी है, नॉर्मल हो जाए तो बात कर लीजिएगा। वैसे अम्मी, आप सारिम से उसके घर वालों से बात नहीं करेंगी? फोन करके कुछ तो पूछे उनसे। हरगिज भी नहीं। क्या पूछूंगी और क्यों पूछूंगी जब मुझे पता है कि रूमी की बात पे कोई वजन ही नहीं है। बेवकूफी है इस तरह घर छोड़ के आना। तो मैं क्यों उसके सास ससुर से इस किस्म की बातें करूंगी, क्यों सवाल जवाब करूंगी, उल्टा उनको शर्मिंदा करूंगी। अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है, हर चीज है जिंदगी की उसके पास। अब खुद ही कदर ना करे तो बेवकूफी है, बल्कि बदनसीब है वो। ठीक है अम्मी, आपने बदनसीब ही हूं मैं। ताबिश ने मोहब्बत दी तो अल्लाह ने उसे जिंदगी नहीं दी। असल में ये ताबिश ही है तुम्हारा घर टूटने की असल वजह। मैं एक मां होकर ये ताबिश ताबिश की रट नहीं बर्दाश्त कर सक रही, तो सोचो तुम्हारा शौहर ये कैसे बर्दाश्त करता होगा। ताबिश तुम्हारी जिंदगी में तभी तक था जितना अल्लाह ताला ने उसका और तुम्हारा साथ रखा था जब तक उसकी जिंदगी थी। अब तुम अपने फ्यूचर का सोचो। तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारिम के घर वालों ने हमसे उसकी मंगनी के बारे में छुपाया? हरगिज भी नहीं, इसलिए कि मंगनी हुई थी, वो लड़की उसकी मंगेतर थी, मर गई। और तुम एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ थी और वो कुंवारा था। यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि सारिम को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, हसीन तरीन, अच्छे घर की। तो उसने मुझसे शादी क्यों की? उसने मुझसे शादी इस वजह से की क्योंकि मैं किरण जैसी दिखती थी। अच्छा, तो तुम्हारे भाई की मुश्किल वक्त में माली मदद उसने इसलिए की? इतना बड़ा नुकसान हो गया पैसों का, उसके बावजूद भी उसने उफ नहीं की। अभी भी प्रॉफिट के पैसे तुम्हारे अकाउंट में आते हैं, तो क्या ये सब कुछ उसने इसलिए किया?
तुम्हारे एक दफा कहने पे, सिर्फ एक दफा कहने पे इतना बड़ा घर, ये बंगला उसने खरीद के तुम्हारे नाम लिख दिया। तुम्हारे बच्चे की बेहतरीन परवरिश करता है इसलिए, यहां तक के तुम्हारी मां, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी को उस छोटे से इलाके से उठा के इतने बड़े घर में ये आलीशान जिंदगी का लाइफ स्टाइल दिया है इसलिए। और तो और, तुम्हारे साबिक ससुराल से उसने ताल्लुकात इस्तवार रखे इसलिए कि तुम खुश रह सको। यही तो बात है सारिम की, कि वो अपना आला जर्व जाहिर करने के लिए हर वो काम करते हैं जिससे लोग उनकी वाह कार करें, जिस तरह आप लोग अभी उनकी कर रहे हैं। बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुम किस तरह से बात कर रही हो? और अगर रुपए, पैसे, दौलत इन सबको एक साइड पे रख दिया जाए ना, तो सारिम की मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही आहिल है। इतना प्यार करता है वो आहिल से, इतना ख्याल रखता है उसका, और आहिल भी कितना अटैच्ड है उससे, और इस सब में मुझे किरण तो कहीं नजर नहीं आती। तो आप लोगों को सिर्फ मैं गलत लगती? कोई ये जानना नहीं चाहता कि मैं क्या महसूस करती हूं। आप लोगों को याद है तो सिर्फ सारे और उनके किए एहसानात। रूमी, हद दर्जे की बेवकूफ है अम्मी, उसको जरा आप थोड़ा सा कूल डाउन होने का टाइम दें। जाए। थैंक यू। क्या हुआ, अकेली बैठ के क्या सोच रही थी यहाँ? कुछ नहीं। एक बात कहूँ? कहीं कहीं तुम्हारी और सारिम की लड़ाई आरिफ को दिए हुए पैसों पे तो नहीं है? अरे नहीं नहीं भाभी, उस पर तो बस ये कहा था कि अगर बता देती तो नुकसान से बच जाते हम। रूमी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी सरकत पे, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था तुमसे, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, आपने तो बस अच्छा चाहा था और वो बात ख़त्म हो गई है। सारिम ने जब आरिफ को जॉब दी तो मैं तो खुद अपनी नज़रों से ही गिर गई। मुझे तुम्हें वो मशवरा नहीं देना चाहिए था। भाभी वो बात ख़त्म हो गई है, उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब क्या सोचा है तुमने? क्या सोचा मैंने? देखो रूमी, तुम्हारी जगह अगर मेरी सगी बहन भी होती तो भी मैं उसे यही समझाती कि सारिम गलत नहीं है, उसकी मोहब्बत, उसका खुलूस गलत नहीं है। तुम पहले खुद से पूछो कि क्या तुमने सारिम को शौहर होने का हक दिया है। खुद से सवाल करो, क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? किरण वाली बात आई तो तुम्हें बहुत मसला हुआ, जबकि माहम हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमती है, तुम्हें कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। तुम्हें इस मसले को खुद सुलझाना है। रूमी, जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मौका देती है और यह हम पर होता है कि उस मौके को किस तरीके से अवेल करना है। समझ आई? आहिल बुला रहा था मुझे, कह रहा था बार बार कि बाहर लेके चलो, मुझे लग रहा है कि सारिम ने ना उसकी आदतें खराब कर दी हैं। तो मुझे बताए बगैर यहाँ आ गई, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया तुमने रूमी। पहले सारिम ने भी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया,
सारे मेरा बेटा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी तरफदारी करूंगी। लेकिन मुझे जान के बहुत ही दुख हुआ है कि तुमने सारिम की मोहब्बत पर शक किया। तुम्हें सारिम की मोहब्बत पर यकीन नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम अपने आप को उस वजूद पे फौकियत दे रही हो जो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या मांगा मेरे बेटे ने तुमसे? सिर्फ मोहब्बत, प्यार, इसके अलावा कुछ नहीं चाहा उसने तुमसे बेटा। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते आंटी, किरण से मोहब्बत करते हैं। चलो मैं ये बात मान भी लूं कि सारिम को तुमसे नहीं बल्कि किरण से मोहब्बत है, लेकिन क्या तुमने कभी ये बात सोची है कि सारिम किरण को क्यों चाहता है और तुमसे उसे मोहब्बत नहीं है? कभी सोचा है तुमने ये? तुम जानती हो रूमी, जब सैरिश का ट्यूमर डायग्नोज भी नहीं हुआ था तब वो मेरे पास आई थी और उसने मुझे ये बताया था कि आहिल की पैदाइश के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी और डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकोगी। जब उसने मुझे ये बात बताई थी तो मैं बहुत हर्ट हुई थी। जाहिर है माँ हूँ मैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे का ख़ानदान बने, उसके बच्चे हों, फैमिली आगे बढ़े। जब मैंने ये बात सारिम से कही तो उसने क्या जवाब दिया जानती हो तुम? क्या कहा? सारिम ने कहा कि आहिल ही मेरे ख़ानदान को आगे बढ़ाएगा, यही मेरी नस्ल को आगे लेके चलेगा। तुम उसकी मोहब्बत पे शक कर रही हो? आंटी आप सैरिश की बात पर यकीन कर रही हैं? झूठ बोल रही है वो, पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। जिस वजह से भी कहा हो लेकिन हमारी तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया। हेलो जी स्टार की मम्मी, कैसे हो सारिम? देखो जरा कौन बैठा है मेरे साथ। हेलो आहिल, मेरा बेबी कैसा है? हाउ इज माय डार्लिंग डूइंग? पापा, पापा बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बिल्कुल फरिश्तों की तरह से। हो सकता है तुम्हें सारिम की मोहब्बत की जरूरत ना हो, लेकिन आहिल को सारिम की मोहब्बत की पहचान है और मेरे सारिम की यही जीत है कि जो मासूम कुछ नहीं पहचानता, किसी को नहीं जानता, लेकिन वो मेरी सारिम की मोहब्बत को पहचान गया है। अगर हो सके तो मेरी बात पर गौर जरूर करना। रूमी मैं जानता हूँ ताबिश आपकी खूबसूरत यादों का एक बहुत अहम हिस्सा है और बिल्कुल ऐसे ही तो आपके दिल में जिंदा भी रहेंगे। आई डोंट वॉन्ट कि आप कभी भी अपनी जिंदगी की यादों को मेरे सामने दोहराते हुए कतराएं या सॉरी फील करें। आहिल के अपने बाबा के साथ कुछ तो इंटरेक्शन होना ही चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है। प्लीज उदास नहीं हो, मैं जब तुम्हें उदास देखता हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें ताबिश के पास जाना हो या आहिल को उसके पापा के पास लेके जाना हो प्लीज मुझे भी साथ ले चलना। हम तीनों चलेंगे ना, वी आर फैमिली। तो क्या आप मुझे सारिम से मोहब्बत हो गई है? क्या वो मेरे दिल में बसने लगे? शायद हाँ। क्या सोचा जा रहा है? सारिम मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। मैं रूमी को तलाक दे रहा हूँ। क्या? Are you in your senses? तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? पागल हो गए हो?
अगर रूमी बेवकूफी की बातें करिए, तुम तो अकल करो। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया माँ। वो तुमसे बेहतर ये कौन जानता है कि जब मैं एक दफा डिसीजन ले लेता हूँ फिर मुझसे बदलता नहीं। लेकिन सारे क्यों, थोड़ा वक्त दो, शायद चीजें ठीक हो जाएं। I can't do this to Ahil. तुम जानती हो आज जिसने मुझे पापा कहा पहली बार, मेरा दिल इतना सख्त नहीं है। पहली बार खुदा ने उससे उसका बाप छीन लिया, मैं उसे दोबारा ये सब कुछ गोथ्रू नहीं करवा सकता। अगर वो मुझे अपना बाप समझना शुरू हो गया तो फिर से उसी तकलीफ में गुजरेगा। एक बात तो तय है, रूमी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, नहीं रहना चाहती मेरे साथ, तो फिर मैं सारी सिचुएशन को क्यों लटकाऊं? क्यों उस बेचारे बच्चे को दोबारा वो सब कुछ गोथ्रू करा, उसी तकलीफ से गुजार। अभी अभी छोटा है वो, भूल जाएगा मुझे, भूल जाएगा कि सारिम नाम का कोई आदमी उसकी जिंदगी में आया था जो कि उसके साथ घंटों घंटों खेलता रहता था, जो उसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह प्यार करता था, भूल जाएगा वो। इसीलिए मैंने उसे तलाक देने का फैसला किया। And I don't want to change it. या अल्लाह मेरे सारिम को उसकी मोहब्बत दिला दे, वो रूमी से बहुत मोहब्बत करता है, ये एहसास रूमी के दिल में डाल दे। मेरे मालिक तू तो कुछ भी कर सकता है। बाहर गेट पर जाओ, तुम्हें पेपर्स भिजवाए हैं, साइन करके वापस भिजवा देना। कैसे पेपर्स? आपने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए मुझे? ठीक से पढ़े नहीं क्या? पढ़े हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। मैं तो साथ में पेन भी लेकर आई। बहुत बात मानते हैं ना आप मेरी, तुम मुझसे पहले इस पर आप साइन करेंगे और फिर आपके सामने मैं साइन करके दिखाऊंगी आपको। मोहब्बत तुम्हें मुझसे नहीं है, मुझसे अलग तुम होना चाहती हो। इस बात की यकीन तुम्हें नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो जिसको भी इशू ज्यादा है पहले साइन वो करेगा, लिहाजा तुम करो साइन। वाह,
इधर भी सारा क्रेडिट आप लेंगे। आपको क्या लगता है कि मोहब्बत करना सिर्फ आपको आता है और मोहब्बत निभाना भी सिर्फ आपको आता है? बारिश बहुत हो रही है, अंदर चलते हैं। नहीं सारे, अब जो भी बात होगी यही हो। मिनी तुम चाहती क्या? प्लीज खुदा के लिए मुझे एक बार बताओ तुम क्या चाहते हैं, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बताओ तो सही। सारिम आपकी इसी बात में मुझे कभी आपके करीब नहीं आने दी कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या आपने मुझसे शादी मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए की? शादी तो मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत से की थी, बस तुम्हें ही कभी यकीन नहीं हो सका। कैसे समझते क्या आपने कभी जानने की कोशिश भी की कि मैं आपसे किरण का जिक्र क्यों करती जो इंसान इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है? आपसे उसके बारे में पूछती थी सर, आप जानते भी हैं कि मैं वाकई चाहती क्या हूँ? मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि जिस तरह आप मुझसे ताबिज का जिक्र कर सकते हैं, मैं आपसे किरण का जिक्र नहीं कर सकती। दोस्त नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। आपके दिल पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती मैं। ये है मेरी मोहब्बत, आपकी तरह मोहब्बत नहीं कर सकती। चार बातें सुनाई तो फिर से जाने का था। जब तुम ये जाती हो एक बार कहती तो सही कि इस घर पे मुझ पे और इस सब पे सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ एक बार। तो आप रोक लेते ना सारे, एक बार भी मुझे नहीं रोक। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें मेरे बगैर क्या करेगी? तुम्हें भी तो नहीं सोचा कि सारे उसके बगैर क्या करेगा? मैं मानता हूं कि मैं किरण से मोहब्बत करता था, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल अधूरा हो गया था। और उम्मीद तुमने मेरी जिंदगी में आके मुझे एक बार फिर मुकम्मल किया, तुमने, किसी और ने नहीं। बेपनाह मोहब्बत करती मैं तुमसे, बेहद मोहब्बत और माते दम से करता। हाँ सर, जिंदगी की बातें करो। क्या वाकई तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन गई? जगह पहले ही बन गई, समझ आ। यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे ये सब कुछ कह रही हो। नहीं आ रहा। करे ना इसके सुन, ये तो बेच
अच्छी आइसक्रीम, मजेदार आइसक्रीम। हाँ सारिम, मेरे जाने की देर नहीं थी और आपने आहिल को आइसक्रीम दिला दी। स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सर्दियां शुरू हो गई हैं, वायरल वैसे भी चल रहा है, बीमार हो गया तो आदतें बिगाड़ के रखती हैं आपने। मैं गाड़ी के पास वेट कर रही हूँ। ओके बाय बाय। कुछ समझ आया? मुझे भी नहीं। हाई फाइव।